आफ्टर टेंथ अगर यहाँ पे कोई बच्चा आ रहा है तो यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, काफी फ्रेंडली, हर एक स्टूडेंट काफी फ्रेंडली होता है, तो लगता है कि हाँ कुछ फैमिली सा मिल गया है। ओके, जो कि बीटेक करने पे भी वैसे फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले, और वो फ्रेंड्स लाइफ टाइम फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम जैसे ही है। वेलकम बैक टू द अदर ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं अपने पुराने कॉलेज, जैसे कि लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि मैं डिप्लोमा भी कर चुका हूँ और मैं अपने उसी डिप्लोमा कॉलेज में आज जा रहा हूँ। सो गाइस चलते हैं, आपको दिखाएंगे, पूरा कैंपस टूर करेंगे, और क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर एक पर्पज़ है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। वो पर्पज़ ये है कि मैं अपना डिप्लोमा लेने जा रहा हूँ, क्योंकि करीबन 3 साल होने को हो गए हैं और मेरा डिप्लोमा ओरिजिनल वाला मैंने लिया नहीं है, तो वो लेने जा रहा हूँ। तो गाइस चलते हैं आगे, और वीडियो में आप बने रहिए, और दिखाता हूँ मैं आपको अपना पूरा कॉलेज। Few inches later. So guys, कॉलेज आ चुके हैं, और कॉलेज के बाद देखते हैं, काफ़ी दिन बाद आए हैं। वैसे याद है मुझे वो दिन जब हमने किया था, मोस्टली हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं आऊँ और वीडियो बनाऊँ। सो अभी अंकल पूछ रहे थे जो आप आए किस लिए हो, तो जैसे कि उनको पता तो होगा नहीं मैं आया किस लिए हूँ। मैं बेसिकली डिप्लोमा लेने आया, तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद फुल मॉर्निंग, तो देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है यहाँ का, जब हमारे टाइम में थोड़ा सा अलग हुआ करता था कॉलेज, बट अच्छा है, वेल एंड गुड। देखते हैं आगे का। तो गाइज हम कॉलेज आ चुके हैं अभी, जैसे कि टाइम मुझे बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद हमको मिलेगा, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कॉलेज से मिलाने से पहले, कॉलेज कैंपस टूर करवाने से पहले, मैं कुछ अपने फ्रेंड्स नहीं कह सकते लेकिन सीनियर्स ज़रूर कह सकते हैं, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कुछ समूह आपको दिख रहा होगा, और हम इनसे कुछ रिव्यूज़ लेंगे, क्योंकि ये हमारे भी सीनियर रह चुके हैं। 2016 के बैच आउट पास आउट है, और मैं 2018 का, तो मुझसे 2 साल सीनियर है। सो इनसे थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि थोड़ा सा क्या बेटर रहेगा, ये कॉलेज कैसा है, और थोड़ा रिकमेंड कीजिएगा। सो बताइए एक एक करके। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, इस कॉलेज को आप डिफाइन करें तो आप कैसे करेंगे? हाँ, बेस्ट मेमोरीज मेरी यहीं की हैं। आफ्टर टेंथ अगर यहाँ पे कोई बच्चा आ रहा है तो यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, काफ़ी फ्रेंडली, हर एक स्टूडेंट काफ़ी फ्रेंडली होता है, तो लगता है कि हाँ कुछ फैमिली सा मिल गया है। ओके, जो कि बीटेक करने पे भी वैसे फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले, और वो फ्रेंड्स लाइफ टाइम फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम सही है। ओके, 5 सालों का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कॉलेज में लोगों को मन में सिर्फ एक चीज़ रहता है कि सीनियर यार हमारी रैगिंग तो नहीं करेंगे, तो क्या आपके टाइम में रैगिंग होती थी या अभी ऐसे कुछ है? क्योंकि अभी तो मोस्टली है नहीं, तो आपके टाइम में होता था? नहीं नहीं, रैगिंग नहीं होती थी। ओके, तो मैं भी डरता था उस टाइम, मेरा सीनियर गाना करता था, सीनियर दीदी थी, उन्होंने मेरे बैचमेट से गाना करवाया। अच्छा, गाना गाओ अपन से ना, अपन से बोले गाना गाओ। सो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, नॉर्मली सीरियसली अगर टॉप करूं मैं पढ़ाई के बारे में, तो पढ़ाई में आप इसको किस लेवल पे देखते हैं, अगर दूसरे कॉलेज के मुकाबले, अगर डिप्लोमा की बात करूं, जस्ट लाइक हमारा पूसा हो गया, अंबेडकर कॉलेज हो गया, और भी सेमी गवर्नमेंट जस्ट लाइक छोटू राम वगैरह, सो उसको हम, इसको हम कहाँ पे देखते हैं, किस लेवल पे देखते हैं? अगर मैं 1 to 5 के अगर स्टार की बात करूं, तो आप क्या देंगे? बिल्कुल आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, आपको ऐसे देना है कि जस्ट लाइक मतलब हम इस कॉलेज के नहीं है, हमें एक देख रेटिंग देनी है आपने जो पढ़ाई की उस हिसाब से। सो आपको क्या लगता है? डायरेक्ट रेटिंग ही दे दो। हाँ,
मैं इसमें 4 रेटिंग देना चाहूंगा। 4 रेटिंग देना चाहेंगे तो 4 रेटिंग ओवरऑल है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ स्पैन, मतलब इंक्लूडिंग अ प्लेसमेंट और मतलब अदर एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह, इंक्लूडिंग प्लेसमेंट एंड जो भी यहां के टीचर्स वगैरह का जो स्टडी का है। ओके सब कुछ इंक्लूड करें। 4 स्टार गाइस, बहुत अच्छा रेटिंग दिया है, कोई ये बुरा नहीं है। मतलब कि ये कॉलेज सिर्फ मेरे, मैं तो मानता ही ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है और मेरी खुद की प्लेसमेंट लगी है और बाकी, तो इस हिसाब से ये सीनियर्स बता रहे हैं तो अब तो आपको मानना पड़ेगा कि मोस्टली ये कॉलेज ज़्यादातर अच्छा है। आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर जी एन डी, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो पढ़ने वाला कहीं पर भी पढ़ लेगा, तो वो बाय सरते बेसिक से टीचर हो, क्योंकि क्या होता है ना टीचर का रोल ना बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नहीं भी होता है, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को है ना। अब वो कितना भी कॉलेज में पढ़ा दे आपको, अगर आप उससे रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो टीचर कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है, लेकिन स्टूडेंट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लासेस तो बंक अपने बहुत भाई, बंक तो हमने भी किया, क्रिकेट खेलने जाते थे, बंक तो हमने भी किया और क्रिकेट हम भी खेलते थे, बट पढ़ाई भी करते थे साथ साथ। हम ऐसे बच्चे थे कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी कर रहे हैं, मार्क्स भी ला रहे हैं, तो हम उन बच्चों में आया करते थे। सो गाइस, बाकी मैं टूर दिखा दूँ आपको पूरे कॉलेज का, जो हम क्या क्या किया करते थे, किस किस स्पॉट पे मैं बैठता था और कहाँ कहाँ क्या क्या मस्ती थी, कुछ बातें आपको मेमोरीज याद दिलाता हूँ अपने साथ। सो गाइस चलते हैं। ये एक बेसिकली हमारा एक लेक्चरल हॉल हुआ करता था, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्क हुआ करती थी गाइस हमारे टाइम में, और इस डेस्क से यहाँ पे लेक्चरर हमें लेक्चर्स देता था, तो हम मोस्टली लास्ट बेंचर्स थे, और ऐसा होता है लास्ट बेंचर्स और मतलब मजे कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज क्वेश्चंस भी हम ही पूछते थे गाइस। फर्स्ट बेंचर्स वाले रहते थे, हाँ 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 करते थे, बट क्वेश्चंस भी हम ही पूछ रहे हैं। सो लास्ट बेंचर्स थे बट इंटेलिजेंट थे, और साथ ही साथ ऐसा था कि ये जो है ना हॉल, इसमें क्या है कि इतना बड़ा था ये, तो हम कुछ और भी करते थे, जस्ट लाइक प्ले की एक्टिंग वगैरह जो भी होता था, रिहर्सल वगैरह हम यहाँ पे करते थे। मैं खुद यहाँ पे रिहर्सल कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे खुद रिहर्सल करता था और प्ले वगैरह का, मैं प्ले में और बाकी और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने में एक्स्ट्रा करिकुलम में अच्छा लगता था, तो मैं किया करता था, तो हम यहीं किया करते थे। सो भाई आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ एक भाई, चलते हैं फिर आगे और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा आगे का फ्लोर। गाइस ये पूरी रेलिंग है पूरा इस तरफ, और ये पूरा कॉरिडोर का सिस्टम है, जहाँ पे हम कॉरिडोर यहाँ से अब जाएंगे, और मेरा डिपार्टमेंट आगे की तरफ है जो पॉलीमर टेक्नोलॉजी का है। ये हमारी क्लासरूम हुआ करती थी मोस्टली, जो हम लास्ट ईयर में थे तो हम इसी क्लासरूम में पढ़ा करते थे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ ब्लैक बोर्ड था, और मैं मोस्टली इन चेयर्स पे इस पे बैठता था मैं मोस्टली, जब मैं इन क्लास में पढ़ा करता था लास्ट ईयर में। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आई थिंक मेरे हिसाब से मैथ्स पढ़ा रखा है इधर, 24 रूम नंबर से 25 रूम नंबर में भी कभी कभार शिफ्ट हो जाया करते थे, और हमारा 25 रूम नंबर ये हुआ करता था गाइस। अगर आपको कोई भी क्लास लोट हुई है, समझ लो 24 नंबर हुआ है पीटी के लिए, तो पॉलीमर टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे 24 नंबर में, फिर अगले ही क्लास आपको 23 नंबर में जाना पड़ेगा अगर 23 नंबर अलॉट है, तो सबका अलग अलग होता है। ऐसे मैकेनिकल का अगर 24 हुआ है तो वो मैकेनिकल पहले 24 पढ़ेगा, तो इस तरीके से क्लासेस अलॉटेड हुआ करती थी यहाँ पे। और मैं कभी 24 में कभी 23 में, तो हम मोस्टली इंडियन लेक्चर्स लिया करते थे। हमारी क्लासेस जब 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में बट गई थी, और इन दोनों रूम में हम ज़्यादा पढ़ा करते थे। और जब स्टार्टिंग ईयर्स में थे, जब मैथ्स थी हमारे पास और अप्लाइड मैकेनिक्स वगैरह थी, तो मैकेनिक्स वगैरह की क्लास लेक्चर में हुआ करता था, और न्यू बिल्डिंग में होते थे, जो न्यू बिल्डिंग अभी देखेंगे, जो न्यू बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें अभी बदला है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, ये इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के यहाँ पे लैब्स और प्रैक्टिकल्स हुआ करते हैं मोस्टली। लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रैक्टिकल्स होते थे, और BEE जब हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा करते थे तब भी ये क्लासेस हुआ करती थी गाइस। ज़्यादातर लोग मुझे देख के सरप्राइज्ड है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कॉलेज में आए हुए। और सो मैं आपको अब आगे की तरफ ले जाता हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ। तो गाइस चलते हैं।
सो गाइस अब हम मैकेनिकल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, और मैकेनिकल बिल्डिंग की तरफ आप देख सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स वगैरह का, जहाँ पे हम भी लैब में आया करते थे। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा अप्लाइड मैकेनिक्स, उल्टा दिख रहा होगा वैसे, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्नोलॉजी लैब है। और गुड आफ्टरनून सर, और मैं इन्हीं सर से पढ़ा हूँ, मैकेनिक्स वगैरह पढ़ा हूँ, और जो सभी सर है मैं थोड़ा सा मिलाना चाहूँगा अपने पुराने सरों से, जो जिनके से मैंने पढ़े। मैकेनिक्स खासकर मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था, और खासकर मैं उन टीचर से पढ़ाऊँ जो मुझे बहुत अच्छा समझा। गाइस अभी भी मैं मैकेनिक्स की बुक रखता हूँ अपने बैग में। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं सर से थोड़ा सा। गाइस हम मिल चुके हैं अपने सर से वैसे नॉर्मली, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं। ये हमारा मैकेनिकल लैब हुआ करता था, जहाँ पे मैकेनिकल्स की करते थे, आप देख सकते हो। ये लैब रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का है, और सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का। तो यहाँ पे भी हम आया करते थे अपने लैब्स के, डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे जो हमारे जूनियर्स होंगे। सो यहाँ पे मैं कंप्यूटर की लैब लिया करता था गाइस, ये मेरा कुछ नंबर है। यहीं पे मेरा एडमिशन का जो हुआ था, जब हमारा प्रोसेस हुआ था तो यहीं पे सबमिट हुआ था, और यहीं पे हमने एडमिशन करवाया था अपना। ये कंप्यूटर लैब है जहाँ से देख सकते हो, अभी बंद है नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। इसके अलावा ये पूरी बिल्डिंग है गाइस, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आप देख सकते हो ऊपर तक है, बाकी देख सकते हो गाइस थर्ड फ्लोर तक है। तो ये कंप्यूटर लैब भी अलग अलग है गाइस। एक कंप्यूटर लैब हमारा जब फर्स्ट में हुआ था, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक कंप्यूटर का, तो हम इसमें गए थे और इसमें ही हम अपने लेक्चर्स लिया करते थे। 4 साल बाद आते हो आप कॉलेज में, वो भी सीनियर बन के, तो थोड़ा सा लगता है कि यार हम इसी कॉलेज में बन के गए थे जहाँ पे डांट खाया करते थे, अब इसी कॉलेज में सुपीरियर प्रायोरिटी मिल रही है, कुर्सी पे बिठाया जा रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। सो गाइस चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में क्या मिलेगा आपको। सो मेरे हिसाब से तो मल्टीपर्पज़ हॉल बंद होगा, मैं वैसे आपको मल्टीपर्पज़ हॉल भी दिखा दूंगा, क्योंकि मल्टीपर्पज़ हॉल पे हम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा मज़ा आता था यार, बहुत कुछ करते थे हम वहाँ पे, मतलब जैसे लाइक टेबल टेनिस खेलना, बैठना उठना, और रिहर्सल्स वगैरह भी होती रहती थी। ये गाइस कुछ पॉइंट्स है, जैसे आप देख सकते हो नीचे, यहाँ से हम बैठ के खड़े होके देखते रहते थे एक दूसरे को, कोई नीचे है कोई ऊपर है, मतलब एक अलग ही रहता था। यहाँ पे खड़े होके बात भी करा करते थे, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से हमारा दिख रहा है। सो ये फर्स्ट फ्लोर है, और क्लास तो आप देखें लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में चलते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी में। हमारे टाइम में तो थोड़े से ज़्यादा डेस्क थे यार, यहाँ पे थोड़े से कम दिखेंगे आपको। और मैडम वैसे सेम ही है, एक मैडम को जानता हूँ मैं। यहाँ पे मैगजीन्स रखी थी होती थी गाइस, लेकिन हम मैगजीन्स कम पढ़ते थे, अपनी प्रैक्टिकल्स फाइल करते थे कंप्लीट, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल फाइल मोस्टली ज़्यादातर लास्ट टाइम में हुआ करती थी, और 2 घंटे से पहले हमें करके ख़त्म करके और उसी दिन जमा करते थे, मतलब हम काफ़ी लेट आराम से करते थे, मतलब राजा का जिंदगी जीते थे हम यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, आप पढ़ाई आराम से करो, चिल मारो, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज लो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगा। मार्क्स के पीछे मत भागना, क्योंकि मार्क्स के पीछे भागोगे तो फिर कुछ बच्चों का एग्जाम्पल है, उन्हीं की तरह हो जाना है, फिर टॉपर रहोगे लेकिन प्लेसमेंट नहीं लगेगी। बाकी चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। वर्कशॉप में आ चुके हैं, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो फिटिंग शॉप है, यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे फिटिंग शॉप में, जैसे आपको पता है कि हमें हैक्सा वगैरह यूज़ करके मेटल की पीसीज वगैरह कट करके एक पर्टिकुलर डिज़ाइन करना पड़ता था, तो ये फिटिंग शॉप है। आगे आपको वेल्डिंग शॉप देखने को मिलेगी। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा गाइस, ये है मिनी ट्रॉय का, दिस इज़ अ मिनी ट्रॉय का GNDIT क्लब, जो सबसे पहले बना था गाइस, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट्स सबमिट किए जाते हैं, जिसमें मैंने भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था 2016 में, 2016 में मैंने सबमिट किया था, और उस टाइम में ही मैंने मिनी ट्रॉय का ज्वाइन किया था, और मैंने तुरंत ही सेकंड
सेमेस्टर में ही ज्वाइन मतलब अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था, जिसके लिए काफ़ी शाबाशी वगैरह मिली थी मुझे, जो इतनी जल्दी कर दिया मैंने सबमिट बना बना के, जिससे दिल्ली स्टेट खेल के आया था मैं, वही प्रोजेक्ट मैं बना के दे चुका था जो हमारा हीट एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम पे था। तो वेल्डिंग शॉप है इधर और काफ़ी अच्छी वेल्डिंग किया करता हूँ मैं, इसके कारण मैं आपको वो बलिदान पर लगाने की कोशिश की थी मैंने, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत पड़ गया था। तो वेल्डिंग मैंने की और वेल्डिंग मैं सबकी करने लग गया, वो भी बिना फेस शील्ड के भी। तो ये मेरी कहानी है बिना फेस शील्ड के वेल्डिंग करने का क्या नतीजा होता है, इसलिए मैं कहूँगा कभी भी बिना फेस शील्ड के वेल्डिंग मत कीजिएगा गलती से भी। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो हो जाना है फिर आपका भी मेरी तरह जैसा हुआ था, क्योंकि उस टाइम में मैं सोच रहा था यार फेस शील्ड लगाया उससे क्या होता, फेस शील्ड क्या होता, मोटी एक ग्लास होता जिसके कारण आपको सही से दिखेगा नहीं कहीं, और वो ना दिखने के कारण क्या करते हैं फेस शील्ड को हटा देते हैं। लेकिन क्या होता है अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और एक्सरेज वगैरह होती हैं जो हमारे आँख को इफेक्ट करती हैं, और एक ये भी कारण है कि जब हमारा इलेक्ट्रोड जलता है, इलेक्ट्रोड जलने के साथ में उसकी जो चिंगारी होती है वो आँखों में भी जा सकती है। तो हमको ध्यान रखना है कि कभी भी हमको बिना फेस शील्ड के क्या नहीं करना है, वेल्डिंग नहीं करनी है। सो अब दिखाते हैं आपको कुछ क्लासेस, नई क्लासेस जो मेरे वक्त में तो नहीं थी, आपको इस वक्त में देखेंगे गाइस। पहले ये नहीं था हमारे यहाँ पे, मतलब समझो ये आसमान था, अब यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी। अब ये सीढ़ियाँ मिलेंगी जो नीचे को जाती हैं, और यहाँ पे भी एक रूम अलग से बना दिया, पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब 2 जो पॉलीमर टेक्नोलॉजी का ही है। और ये आपको बैठने के लिए पूरा स्टेडियम यहीं पे आपको, जैसे लाइक रिपब्लिक डे वगैरह में सबमिट होता था तो यहीं पे लोग बैठते थे चारों तरफ और करते थे। अभी नीचे चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। बाकी ये नहीं था हमारे यहाँ पे, और ये 2-3 क्लासेस जो ऊपर बनी है ये नहीं बनी है, ये सीढ़ी वगैरह लगा के। सो गाइस ये हमारा फर्नेस शॉप हुआ करता था, लेकिन अभी शॉप को बदल के कुछ और ही शायद नाम लग दिया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही बन गया है। लेकिन हमारे टाइम में ये फर्नेस शॉप होता था, जहाँ पे हम चीज़ल वगैरह बनाते थे, चीज़ल वगैरह डिज़ाइन किया करते थे, मतलब एक पर्टिकुलर एक वर्कशॉप का ही एक पार्ट था, जस्ट लाइक अ फिटिंग शॉप और वेल्डिंग शॉप। लेकिन अब ये हो गया, लेकिन ये पॉलीमर का ही हुआ करता था, लेकिन अब पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब 2 है, यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी, और हमारे पुराने सर भी हैं यहाँ पे, अगर होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे सर से। गाइज जैसा कि आपने देखा मैं सर वगैरह से तो मिल चुका हूँ, आपको मैंने वीडियो में वैसे कवर नहीं किया होगा क्योंकि कुछ नॉर्म्स होते हैं गाइज, मानना पड़ता है हमको कॉलेज के हिसाब से, गवर्नमेंट कॉलेज है तो डायरेक्ट ऐसे करना, क्योंकि जब तक कोई परमिशन ना दे इंटरव्यू के लिए हम उसका इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। और कुछ बच्चे हैं, 3-4 बच्चे ही हैं जो अभी क्लासेस वगैरह ले रहे थे, अब उनकी क्लास बताना चाहूँगा। अभी हम खड़े हैं बिल्कुल सेंटर में, आप देख रहे हैं हम पूरे सेंटर में खड़े हैं, जहाँ पे हमारी समिट हुआ करती थी, और यहाँ पे हमारे पीटीआई सर आके झंडा फहराते थे, जो भी हमारे प्रिंसिपल सर है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये बिल्कुल सेंटर है, और ये आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो देख रहे हैं, ये हमारा पर्टिकुलर बैठने का है, और ये बैठने का है जिससे कि मतलब आप देख सकते हो बैठने के, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि समिट जब हो तभी बैठो, कभी भी बैठो यार, जब भी आप फ्री हो अपना फ्री टाइम में ना, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आएगी आपको, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे बैठ के आराम से चिल आउट कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, कि इंजीनियरिंग लाइफ एक ऐसी है जो भाई बहुत ज़्यादा तुम्हारा टेंशन ही टेंशन रहेगा, लेकिन प्रेशर को कम करना है, ज़्यादा नहीं करना, तो इसलिए आराम से चिल मार। तो गाइज जैसे कि हम अभी यहाँ से तो निकल गए हैं और हमने आपको ये चीज़ें दिखा दी हैं, अभी मैं जाऊँगा आपको ऊपर से, दिखाया था लास्ट टाइम आपको मैंने, जो मैं वहाँ पर था खड़ा और आपको बताया था ये क्या है। सो यहाँ पर क्या है कि गाइज प्रिंसिपल रूम है, प्रिंसिपल सर का रूम है, और प्रिंसिपल सर सामने है, मेरे बिल्कुल सामने है प्रिंसिपल सर का रूम। और इसके अलावा ये पूरा हमारा कॉरिडोर इसको देख लिया, अब आपको हम थोड़ा सा मल्टीपर्पज़ हॉल दिखा देते हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल क्या है कि यहाँ पे हमारे प्लेसमेंट्स वगैरह हुआ करते थे, और हमें रावत सर मिल चुके हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल अभी हम गए थे, लेकिन मल्टीपर्पज़ हॉल तो अभी बंद है, तो मल्टीपर्पज़ हॉल तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो अभी ओवरव्यू तो यही था कॉलेज का, और मैंने काफ़ी लोगों से भी और बात की, और लोगों का रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को देखिए, इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो गाइज़ आपको, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपको लगा हो कि हाँ
थोड़ा ये वीडियो है इसमें दम है और ये वीडियो जानी चाहिए, थोड़ी सी रीच पहुँचनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए इस कॉलेज के बारे में और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना प्लेग्राउंड दिखाऊंगा। हम आ चुके हैं बाहर, प्लेग्राउंड दिखा देता हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे प्लेग्राउंड पे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। हम भी बहुत खेला करते थे अपने टाइम में, यहाँ पे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह पढ़ा करते थे। गाइस कॉलेज का कैंटीन बंद है और कैंटीन देख सकते हो आप मेरे पीछे, इतनी बड़ी कैंटीन मिलेगी आपको यहाँ से खुलने का है और कैंटीन वो भी अभी आज बंद मिलेगी। ये सब हमारे टाइम में गाइस बना नहीं था। हमारे टाइम में क्या था कि यहाँ पे टेबल और चेयर्स होते थे, हम उस पर बैठ के खाया करते थे, पेटीज बर्गर ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन खाना वाना नहीं मिलेगा आपको, आपको नॉर्मल फूड मिलेगा, जस्ट लाइक आप मतलब थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक हो गया और कैंपा कोला वगैरह, इसके अलावा बर्गर सैंडविचेस ये सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन खाना टाइप का जो कैंटीन में आपको पिछले ब्लॉग में डीट्यू में दिखाया था उस टाइप का कैंटीन नहीं मिलेगा, जो आपको खाना भी मिले, पनीर सब्जी चावल वावल वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अभी कैंटीन फिलहाल बंद है तो वो भी नहीं दिखा सकता। यही है जो है कैंटीन और कैंटीन का पूरा आपको ओवरव्यू। नहीं है गाइस ब्लॉग में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।